अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। पुलिस अभी भी आश्वस्त है कि 2.5 लाख रुपए का इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो अभी भी मुल्क में ही कहीं छिपा हुआ है, वह विदेश नहीं भागा है। पुलिस का साफ कहना है कि उसके खिलाफ चूंकि लुकआउट नोटिस जारी है, लिहाजा विदेश भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बदन सिंह बद्दो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसके लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। करीब एक साल पूर्व बदन सिंह बद्दो जिस तरह से पुलिस की मिलीभगत से फरार हुआ, उससे जरूर एक बार की सनसनी फैल गई थी। लेकिन अब एक साल बाद फेसबुक पर उसके अकाउंट से जो बातें की गई हैं, उसने पुलिस अफसरों के बीच तमाम चर्चाओं के साथ खलबली मचा दी है। यह पोस्ट नीदरलैंड की बताते हुए डाली गई है, लेकिन पुलिस का यह भी मानना है कि बद्दो इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वह खुद अपने लिए ही जाल फैलाएगा। जिस तरह करीब एक साल पहले बदन सिंह बद्दो फरार हुआ था, वो भी कम रोचक नहीं है। मेरठ शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा चल रही थी और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इस बीच बदन सिंह फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गाजियाबाद पेशी पर लाया गया, लेकिन रास्ते में कहीं भी मेरठ नहीं है, लेकिन उसे जानबूझकर पुलिस मेरठ लाई। यहां मुकुट महल होटल में सभी पुलिस कर्मियों ने जमकर दावत उड़ाई और खूब शराब पी। उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस जब नशे में धुत हो गई और बेसुध होकर एक तरफ लुढ़क गई, तो बदन सिंह बद्दो टहलता हुआ फरार हो गया। प्रधानमंत्री की सभा 1.5-2 घंटे चली और इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करने का दावा करती रही कि अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बदन सिंह बद्दो फिल्म शोले का ये डायलॉग मारता हुआ फरार हो गया कि बदन सिंह बकरी का बच्चा थोड़े है जो झट से दौड़े और फट से पकड़ लिया। एक साल हो गया, लेकिन बदन का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। बद्दो को फरार कराने के मामले में 6 पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई। उसके करीब अनिल छाबड़ा उर्फ जिम्मी को क्लीन चिट मिल चुकी है, जबकि ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी, व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल, होटल मालिक मुकेश गुप्ता, शिशुपाल जेल से जमानत पर छूट चुके हैं। पपीत भड़ाला अभी जेल में है। बदन सिंह की इस फरारी के कई सफेदपोशों व पुलिस अफसरों की पेशानी पर अब बल डाल दिए थे। इन सभी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और बढ़ा दी है। केबल कारोबारी रोमी शिवा से बदन सिंह की अदावत किसी से छिपी नहीं है। केबल व्यवसाय पर कब्जे को लेकर छिड़ी जंग में रोमी द्वारा संचालित गैलेक्सी के महाप्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब बदन सिंह बद्दो ने फेसबुक अकाउंट पर मंगलवार को जो पोस्ट डाली है, उसने शांत तालाब में जैसे पत्थर मार दिया है। यह पोस्ट बदन ने डाली है अथवा किसी अन्य ने, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बदन ने अपने प्रोफाइल पर 14 जुलाई 2017 को भी यह कार्टून पोस्ट किया था। इसमें एक बेटा पूछ रहा है कि पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि संगठित अपराध में अपना करियर बना लूं, जिस पर पिताजी पूछ रहे हैं कि सरकारी या गैर सरकारी। इस पुरानी पोस्ट को ही नए सिरे से डाला गया है। इसमें प्रदेश के पूर्व DGP ब्रजलाल व रोमी शिवा के बीच कारोबारी रिश्ते बताए गए हैं। कहा गया है कि सीडी किराए पर चलाने वाला रोमी अब ब्रजलाल के साथ करोड़ों का मालिक है। आरोप लगाया गया है कि पूर्व DGP के केबल कारोबार को अब रोमी संभाल रहा है। इस पोस्ट में लगाए गए सभी आरोपों से रोमी व ब्रजलाल ने पल्ला झाड़ा है। आज इस बारे में मेरठ SSP अजय साहनी ने कुछ जानकारी दी है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं पुलिस कप्तान अजय साहनी। 2 दिन पहले एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी बदन सिंह बद्दो के नाम से, और उसको जांच कराया जा रहा है। उसमें फेसबुक से मांगा गया है कि किस स्थान से ये पोस्ट किया गया है, उसी व्यक्ति ने किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, और किस स्थान से पोस्ट किया गया है। इसके साथ ही वो फरार था पुलिस कस्टडी से, उसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया है और जितने उसके संरक्षण देने वाले थे और जो जो लोग उसके विभिन्न मुकदमों में उसकी जमानत लिए थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और जैसे ही फेसबुक से डेटा आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी हम लोग की क्लियर हो जाएगी। जैसे कि लोकेशन के हिसाब से नीदरलैंड की लोकेशन डाली गई है, तो वहाँ भी जाएगी क्या टीम? नहीं नहीं, नीदरलैंड कोई टीम अभी नहीं जाएगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं से भी कोई कुछ पोस्ट कर सकता है,
जब फेसबुक हमें जवाब हमारे लेटर का दे देगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस स्थान से पोस्ट डाली गई है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से डाली गई हो, क्योंकि 29 मार्च 2019 से एक वर्ष के लिए लुकआउट नोटिस जारी है, तो वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत कम संभावना है कि वहाँ से वो डाली गई हो, और अगर वहाँ से डाली गई होगी तो शायद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डाली गई होगी। इन सब प्रश्नों का जवाब जब फेसबुक हमें देगा तो हम आप लोग से शेयर कर लेंगे। इस खबर में आज इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।